पांच देशों के दौरे के बाद भारत लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत। हाथों में तिरंगा लेकर स्वागत में बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। स्वागत करने आए लोगों में दिखा गजब का जोश। खूब लगे मोदी मोदी के नारे। प्रधानमंत्री ने गाड़ी से उतरकर लोगों का स्वीकार किया अभिवादन। मथुरा कांड पर आज तक का बड़ा खुलासा। स्टिंग ऑपरेशन में खुफिया यूनिट के इंस्पेक्टर का दावा। सरकार को दी गई थी हर जानकारी। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के इंस्पेक्टर का खुलासा। सरकार को 80 बार भेजी जवाहर बाग की रिपोर्ट। आज तक के ऑपरेशन राज्यसभा का असर। विधायक मल्लिकार्जुन खोबा के खिलाफ दर्ज होगी FIR। चुनाव आयोग करेगा CBI जांच की मांग। स्टिंग ऑपरेशन में विधायक खोबा ने मांगे थे 5 करोड़। डील करते कैमरे में कैद हुए थे विधायक। बिहार टॉपर घोटाले में आरोपी बच्चा राय के ठिकानों पर रात भर होती रही छापेमारी। कई रिश्तेदारों के घर रेड। बिशन राय कॉलेज सील। पुलिस का दावा लालकेश्वर प्रसाद और बच्चा राय की जल्द होगी गिरफ्तारी। अमृतसर की क्वींस रोड पर टाइटन के शोरूम से 22 लाख की 375 गाड़ियां और 14 चश्मे ले उड़े चोर। CCTV में कैद हुई वारदात। जोधपुर में सड़क पर लगे CCTV में कैद हुई हैरान करने वाली वारदात। कार रोकने की कोशिश में गाड़ी के बोनट पर चढ़ा हेड कांस्टेबल। कांस्टेबल को बोनट पर लिए हुए गाड़ी दौड़ाता रहा आरोपी। लुधियाना के पौश इलाके में बुजुर्ग चार्टर्ड अकाउंटेंट की पत्नी के घर में घुसकर हुई निर्मम हत्या। पुलिस ने शुरू की जांच। राजकोट में पत्थर से मारकर एक के बाद एक 3 हत्याओं के बाद स्टोन मैन का आतंक। CCTV में कैद हुआ संदिग्ध आरोपी। दिल्ली में 100 से ज्यादा चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाली मां बेटी की जोड़ी गिरफ्तार। पॉश मार्केट में देते थे वारदातों को अंजाम। कई वारदातें हुई थी CCTV में कैद। गोवा में हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का खुलासा। 4 दलाल और मास्टरमाइंड गिरफ्तार। कई मॉडल्स और अभिनेत्रियों के शामिल होने का शक। सबकासी में पटाखों की फैक्ट्री में हुआ ब्लास्ट। 2 लोगों की मौत, कई लोग जख्मी। फैक्ट्री का मालिक घटना के बाद से फरार। पश्चिमी दिल्ली में दिखा रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार डंपर की चपेट में आने से 3 बाइक सवारों की मौत। आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार। गाजियाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में 3री मंजिल से नीचे गिरी प्राइवेट कॉलेज की MBA छात्रा। छात्रा अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने शुरू की जांच। मुजफ्फरनगर में चोरी के आरोपी पर भीड़ ने निकाला गुस्सा। जमकर की पिटाई। बाद में भीड़ के गुस्से से पुलिस ने बचाया। आगरा में महिला एडवोकेट का सनसनीखेज आरोप। धर्म परिवर्तन कराने के बाद सगाई और रेप का आरोप। युवक ने किया शादी से इनकार। आरोपी युवक रिटायर्ड SP क्राइम का बेटा। परिवार के 4 लोगों पर केस दर्ज। देहरादून में 5 साल से अंडरग्राउंड चल रहा करोड़ों रुपए का घोटालेबाज गिरफ्तार। 1 दर्जन से ज्यादा बैंकों के करोड़ों रुपए का डिफॉल्टर है वीरेंद्र देगी। UP के फतेहपुर में NH2 पर I-20 कार में लगी भीषण आग। गाड़ी में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। कोई हताहत नहीं। महाराष्ट्र के वाशिम में भूमि अभिलेख अधिकारी पर फूटा किसानों का गुस्सा। बार बार तारीख देने के बावजूद काम न होने पर की अधिकारी की पिटाई। हिसार में जमीन विवाद में लड़की का सौतेली। मां, भाई और 2 मामाओं ने निकाला किया कत्ल। जेल में बंद है लड़की का पिता। मध्य प्रदेश के धार में युवक का शव मिलने से सनसनी। घर से कुछ दूरी पर मिला शव। धारदार हथियार से की गई हत्या। पुलिस कर रही है जांच। झारखंड के लातेहार में हत्या लूट और अपहरण की कई वारदातों के 3 आरोपी गिरफ्तार। अवैध हथियार भी बरामद। झारखंड के गढ़वा में बिजली की कमी से गुस्साए गांव वालों का फूटा गुस्सा। आंदोलन के लिए हाईवे पर जुटे ग्रामीणों के चलते कई किलोमीटर तक लगा रहा लंबा जाम। दिल्ली के ब्रह्मपुरी में हुए ट्रिपल मर्डर केस का दिल्ली पुलिस ने किया खुलासा। सिरफिरे आशिक ने मां और 2 बेटियों का किया था मर्डर। दिल्ली के किडनी रैकेट में अपोलो अस्पताल के एक और डॉक्टर के PA का आया नाम। लेकिन रेड मारने पुलिस के पहुंचने से पहले ही फरार हुआ PA। UP में राजनाथ सिंह को आगे करने की तैयारी में BJP। सूत्रों के मुताबिक प्रचार समिति के सौंपी जा सकती है कमान। इलाहाबाद कार्यकारिणी में राजनाथ के नाम पर चर्चा के संकेत। दिल्ली में MCD के संयुक्त सत्र में बवाल। आम आदमी पार्टी की टोपी पहनकर आने पर आप पार्षद से हावता पाए। अहमदाबाद की गुलबर्गा सोसाइटी केस में सजा पर चला फैसला। स्पेशल कोर्ट आज कर सकती है सजा का ऐलान। BJP सांसद वरुण गांधी पर पार्टी हाईकमान ने कसा शिकंजा। सूत्रों के हवाले से खबर। बिना इजाजत अपने संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर से बाहर जाने पर रोक। गोवा के पर्यटन मंत्री दिलीप परुलेकर का विदेशी पर्यटकों पर विवादास्पद बयान। कहा अपराधी पर्यटकों को रिपोर्ट करने का नहीं है कोई कानून। उड़ीसा के मलकानगिरी में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। 8 खूंखार माओवादियों ने किया सरेंडर। जम्मू के पुंछ में नदी पर बनकर तैयार हुआ पुल। बाढ़ के दौरान टूट गया था पुल। पुल पर शुरू हुआ ट्रैफिक। जम्मू कश्मीर के CM महबूबा मुफ्ती को अनंतनाग चुनाव हराने की साजिश रच रहा है आतंकी। सूत्रों के मुताबिक ISI
तैयार कर रहा है आतंकियों का दस्ता। गूगल स्ट्रीट व्यू भारत में नहीं दिखा पाएगा, शहरों की 360 डिग्री वाली तस्वीरें सुरक्षा कारणों का हवाले देकर गृह मंत्रालय ने नहीं दी इजाजत। सीहोर में हुए सड़क हादसे में बीजेपी विधायक राजेंद्र डाडू का निधन, हादसे में 3 लोग हुए घायल, घायलों का हाल जाने अस्पताल पहुंचे सीएम शिवराज। ओलंपियन अंजू बॉबी ने केरल के खेल मंत्री पर लगाए बदतमीजी के गंभीर आरोप, कहा मंत्री ने पिछली सरकार की हिमायती बताकर धमकाया, मंत्री ने किया आरोपों को खारिज। रांची में महिला आयोग के दफ्तर पहुंचे प्रत्युषा बैनर्जी के माँ बाप, बेटी की मौत की जांच में लापरवाही बरतने का मुंबई पुलिस पर लगाया आरोप। दिल्ली से आगरा पहुंची गतिमान एक्सप्रेस से स्टेशन पर मामूली हादसे की खबर, बैक करते हुए ड्राइवर की लापरवाही के चलते प्लेटफॉर्म से टकराई ट्रेन। केरल में समंदर के तटों पर रहने वाले लोगों की मॉनसून ने बढ़ाई चिंता, 100 से ज्यादा परिवारों को किया गया दूसरी जगह शिफ्ट, मॉनसून के तेज होने से बड़ी चिंता। नौसेना ने गोवा के पास मर्चेंट शिप एमवी इन्फिनिटी का किया रेस्क्यू, समंदर के बीच फंसे जहाज में से 14 भारतीय क्रू मेंबर भी बचाए। जिम्बाब्वे दौरे पर गई टीम इंडिया ने प्रैक्टिस सेशन में जमकर बहाया पसीना, शनिवार को खेला जाएगा पहला वनडे, 3 वनडे और 2 T20 खेलेगी टीम इंडिया। बीसीसीआई ने आने वाले सीजन में धर्मशाला रांची समेत 6 नए टेस्ट सेंटर का किया ऐलान, 13 टेस्ट, 8 वनडे और 3 T20 की मेजबानी का फैसला। 1,10,00,000 के पार हुआ ट्विटर पर विराट कोहली के फॉलोअर्स, कोहली ने फैंस को कहा शुक्रिया। T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के खिलाफ धमाकेदार 82 रन बनाकर जीत दिलाने वाले लंदन समन्स का कोहली पर वार, कहा घमंडी कोहली के उकसाने पर दिया था बल्ले से जवाब। आज से होगा यूरो कप 2016 का आगाज, फ्रांस और रोमानिया के बीच पहला मुकाबला। जिले में शिक्षा में सुधारों के लिए सड़क पर उतरे छात्रों के पुलिस से संघर्ष, सैंटियागो में छात्रों की घंटों तक होती रही झड़पें, सड़कों पर हुई आगजनी। यूरो 2016 के लिए पेरिस पहुंचे फुटबॉल फैंस ने जमकर की पेरिस में मस्ती, एफिल टावर पर छाए फुटबॉल क्लब। ब्राजील के साओ पाउलो में भीषण बस हादसे में 18 लोगों की मौत, 28 लोग हुए घायल, बैरियर से टकराने के बाद बेकाबू होकर खाई में गिरी थी बस। इटली के पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी की होगी हार्ट सर्जरी, बर्लुस्कोनी के निजी डॉक्टर का बयान, गंभीर हालत में लाए गए थे पूर्व पीएम, अब हालत है बेहतर। अमेरिका के फ्लोरिडा में बेटी के किडनैपर से मां के संघर्ष का वीडियो हुआ वायरल, शॉपिंग मॉल में हुई थी बेटी की किडनैपिंग की कोशिश, मां की बहादुरी ने बदमाश को दिया मुंहतोड़ जवाब।